मैं इस वक्त खड़ा हूँ केदारनाथ धाम में और ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो केदारनाथ धाम 10, 11, 12 या उसके बाद आने वाले हैं। ये वीडियो देखिए, मैं केदारनाथ धाम से बता रहा हूँ और ये एकदम ताजा जानकारी है। कल से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने जा रही है। सर, हड़ताल वाली बात सत्य है क्या कल? तो मतलब होटल, खाने पीने की दुकान और टेंट वगैरह सब बंद रहेंगे, तो फिर जो नीचे से जो आ रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो गवर्नमेंट सोचे उस बारे में। और जिनकी मतलब एडवांस बुकिंग है या दो चार दिन के लिए करा चुके हैं, उनकी बुकिंग का क्या होगा फिर? सर, कैंसिल होगी। कैंसिल होगी? हाँ। तो ये बात पुष्टि है, मतलब सत्य है बात? सत्य क्या है, एकदम 101%। हड़ताल हो रही है क्या यहाँ पे? कल से हड़ताल है भाई। तो फिर लोगों का आना यहाँ पर जो आ रहे हैं उनका क्या होगा? उनका पता नहीं भैया, उनका क्या होगा? हड़ताल हो रही है तो ये खाने की दुकान, होटल, टेंट सब बंद रहेंगे? सब बंद रहेंगे। तो कब तक चलेगी हड़ताल? पता नहीं है कब तक चलता रहेगा। अरे यार, तुम सर्दी में मार दोगे लोगों को भाई। तो अभी कुछ दिन आप केदारनाथ धाम ना आए, यहाँ पे रहने खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हम यहाँ पे 9 तारीख में हैं और कल हम भी यहाँ से चले जाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, केदारनाथ लाइव अपडेट ये है 10 तारीख का। आज 10 मई है और जो भी लोगों ने कल कमरे लिए थे सबको उनको निकाल दिया गया है। मंदिर समिति और जो गवर्नमेंट है उनके साथ कॉन्ट्रोवर्सी जो है व्यापार संघ की, देखो आप, व्यापार संघ की सारी दुकानें बंद हैं और अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपको कह देते हैं कि यार ऊपर ना आए, 50,000 रुपये में भी कमरा नहीं मिलने वाला है। शेयर करें ये रील जो केदारनाथ आ रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव, और मैं भी जा रहा हूँ वापस अगर हेली मिलता है तो, अदरवाइज मैं भी यहीं रुकूँगा। कैसे रुकूँगा? कुछ नहीं करूँगा।